दूसरे समाज के कुछ लोग बच्चों को भ्रमित करके उनको गलत रास्ते पर चलाने की कोशिश करते हैं। कल ही मैं बाबा रामदेव जी का भाषण सुन रहा था, उसमें बाबा रामदेव जी ने शनि देवता के बारे में बताया कि शनि देवता जो है वो लाखों मील दूर है, वो हमारे ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं। लोग शनि देवता के चक्कर में हजारों रुपया सैकड़ों रुपया मंदिरों में चढ़ाते आते हैं, जिसका कि कुछ नजायज लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो कृपया करके मैं बच्चों को खास तौर पर कहूँगा कि बच्चे इन भ्रम में ना पड़े और जो वैज्ञानिक तौर पर सत्य है उसी को अपनाएं। मतलब आप अपने दिमाग से सोचना है ये ठीक है या नहीं है। अभी पृथ्वी पे कभी भगवान पैदा नहीं हुआ, भगवान अगर पैदा होता है तो उसके चार हाथ या चार पैर हो सकते हैं, लेकिन जितने भी महापुरुष हुए हैं, महापुरुष तो हम कह सकते हैं, देवता कह सकते हैं, हम अच्छे बाबाओं के संगत में रहें, गलत बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। और बच्चे को मैं आपसे कह रहा हूँ कि बच्चे अनुशासन का खास ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे पहले घर पे अनुशासन रखे, माँ बाप का कहना माने। क्योंकि आजकल के टाइम में मैं देख रहा हूँ, जगह जगह घरों से सुन रहा हूँ कि बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं, बच्चे बाहर का खाना खा रहे हैं, जो कि बाहर की गंदगी पूरी की पूरी लोग हाथ भी नहीं धोते और उसको दुकानों पे बेचते हैं, रेडियो पे खाना खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, गंदे बने हुए साफ सुथरे नहीं खाते। और बच्चों का पहनावा भी ठीक होना चाहिए, एक साथ में तरीके से बच्चों को रहना चाहिए, बच्चों को स्कूलों में भी अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि तो बच्चे थोड़ा बहुत कई बार टीचर के आगे अगड़ते भी हैं, जो कि बच्चों को ये ध्यान रखना है कि जो अगर बड़े टीचर, बड़े माँ बाप या बाहर के जो बड़े पुरुष जो बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं, बच्चों को अपने दिमाग से भी सोचना है कि क्या गलत है क्या ठीक है, और उनको अपने दिमाग से ही काम लेके आगे बढ़ना है। ये बच्चे ही आगे जाके इस देश को संभालना है, बच्चों ने ही संभालना है। क्योंकि जैसे हम बड़े हो गए हैं हमें तो चले जाना है, बच्चों ने आगे आना है और इस देश का ध्यान रखना है। आपको बच्चों को मालूम होगा हमारे जितने बड़े भाई बैठे हैं उनको तो मालूम है कि किस तरह स्वतंत्रता में हमारे लोग शहीद हुए हैं, हजारों लाखों आदमी मारे गए हैं। अब बच्चों को ही मालूम नहीं होगा शायद 200 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, 1947 में महात्मा गांधी की वजह से, और महात्मा गांधी का तो नाम तो आ ही जाता है लेकिन उनके पीछे हजारों लोग जिनका नाम ही नहीं पता, उनके परिवार वालों को नाम नहीं पता कि भाई हमारे दादा ने क्या सेक्रीफाइस किया था, उनका किसी को पड़ोसी को भी नहीं पता। हम उनको भी नमन करते हैं। आज की स्वतंत्रता ये बच्चे आगे जाके ध्यान रखें और इस देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।